उत्तर प्रदेश खेल विभाग के तत्वावधान में आयोजित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की स्मृति में चतुर्थ अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के दूसरे दिन कुल 6 मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच हरियाणा बनाम राजस्थान के बीच खेला गया, जिसमें हरियाणा ने राजस्थान को 3 अंकों से पराजित किया। दूसरा मैच उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच खेला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को 9 अंकों से पराजित किया। तीसरा मैच आर्मी ग्रीन और बागपत के बीच खेला गया, जिसमें आर्मी ग्रीन ने बागपत को 6 अंकों से पराजित किया। चौथा मैच जाट रेजिमेंट और हरियाणा के बीच खेला गया, जाट रेजिमेंट ने हरियाणा को 46-41 अंकों से पराजित किया। पांचवें में रेड आर्मी और राजस्थान के बीच खेला गया, जिसमें रेड आर्मी ने राजस्थान को 56-26 अंकों से पराजित किया। छठवां मैच उत्तर प्रदेश और सोनीपत के बीच खेला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश ने सोनीपत को 26 अंकों से पराजित किया। इस अवसर पर सुरेश कुमार सिंह, सत्येंद्र कुमार अकरम, विनोद कुमार यादव, अनिल सिंह, मनीष राय, मनोज कुमार सिंह, विजय लक्ष्मी सिंह सहित अन्य खिलाड़ी एवं कोच मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा। यहाँ पे आ जाइए, और अब बेहतरीन बचाव करते हैं और बेहतरीन टैकल देखते हैं। जानते हैं अगर बोनस प्लस वन देते रहे लगातार तो सूर्या रेड ये चतुर्थ ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है और ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है जो ऑल इंडिया लेवल का होता है। इसमें आज हमारे लीग मैचेस हो रहे हैं, इसमें 12 सर्वश्रेष्ठ भारत की जो हैं वो टीमें भाग ले रही हैं। इसमें अभी जो मैचेस चल रहे हैं वो अभी देखिए, राजस्थान का मैच हुआ, हरियाणा का हुआ है और आर्मी का हुआ है, अभी साई सोनीपत है और उत्तर प्रदेश की टीम के मैचेस चल रहे हैं और इसके अब कल से हमारे सेमीफाइनल्स स्टार्ट होंगे।
जो परसों तक सेमीफाइनल दोपहर तक चलेंगे और चार तारीख को फाइनल मैच होगा 2 बजे। इस तरह से इसमें कैश प्राइज है, इसमें 2 लाख रुपया फर्स्ट, 1 लाख रुपया सेकेंड और 50,000 रुपये के 3 प्राइजेज जो हैं इसमें, ट्रॉफी और मेडल सारे खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। इस प्रकार से एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट खिलाड़ियों को और इस गोरखपुर के जनता को देखने के लिए मिलता है और इसमें बहुत सारे प्रो कबड्डी के और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी भाग लेते हैं। तो हम एक कबड्डी जो प्रो कबड्डी के प्लेयर्स हैं वो विशेष रूप से आते हैं और उनका जो आर्ट और कौशल है उनको यहाँ के लोगों को देखने के लिए मिलता है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है जनपद के लिए। मैं सारे खिलाड़ियों को बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ।